ॾींहुं हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं दारुलसुकून हिकिड़ो अहिड़ो प्लेटफॉर्म आहे, हिकिड़ी अहिड़ी जॻह आहे जिते मासूम उहे ॿारड़ा जेके यतीम बि हूंदा आहिनि जंहिंजो केरु कोन हूंदो आहे। हीउ प्रोग्राम इवेंट जेको हीउ रखियो वियो आज़ादी जे ॾिहाड़ जे हवाले सां, 70 वरह असांजे मुल्क जी आज़ादी खे थी विया आहिनि, ज़बरदस्त क़िस्म जूं शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि, तव्हांखे प्रोग्राम ॾेखारियूं था ऐं हिननि ॿारड़नि सां बि कचहरी करायूं था। दारुलसुकून में सिर्फ नाम से नहीं, मैं इसको दारुलसुकून की बजाय अगर दारुलजन्नत कहूँ, मैं अगर इस धरती पे इसको जन्नत का एक टुकड़ा कहूँ कि जहाँ मुझे खुदा नज़र आता है। आपने खुदा को देखा नहीं है, और मैं उन लोगों को कहूँगा जिन्हें खुदा को देखना है, जिन्हें खुदा से गुफ्तगू करनी है, जिन्होंने खुदा की कुर्बत हासिल करनी है, वो यहाँ आए। जब लफ्ज़ धरती आती है तो माँ का तसव्वुर आता है, धरती आपकी माँ है, और जब माँ की बात होती है तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, चूँकि अगस्त है, 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो इस धरती की खुशबू, इस धरती की मिट्टी हमसे तकाजा करती है कि हम अहद करें कि हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए है। आज जिस इदारे में मैं आया हूँ दारुलसुकून, अगर काश पूरा पाकिस्तान सुकून में आ जाए तो क्या बात है, इस आज़ादी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। कहना मैं ये चाहूँगा कि ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके बीमार होने वाले होते हैं, लेकिन किस्मत की सितमदरीफी देखें, उनको या इस दारुलसुकून इदारे में वालिदैन छोड़ कर जाते हैं। दारुलसुकून में जिस तरह से इस कदर मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को, और जिस तरह से डिसेबल्ड बच्चों को ख़ासतौर पे ऐसी बीमारियां जहां पर अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, वहां पर यहां पर वो इस तरह से रह रहे हैं जिस तरह से कोई मसीहा उनको लेकर आता है, मैं समझती हूं कि ये बहुत कमेंडेबल है कि किस कदर हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन के लिए। लिहाजा मैं समझती हूँ कि इस वतन को हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ लौटाना है, और यही कहूँगी कि आप जोश व खरोश से मनाइए, और धरती टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी इस खूबसूरत दिन पर। जश्न आज़ादी मुबारक। देखिए, धरती वालों को सबसे पहले मेरा सलाम, धरती के देखने वालों को, धरती के चैनल वालों को। बेसिकली इस इदारे को जो रन कर रही हूँ सिस्टर रूद हैं। दारुलसुकून के अंदर उन बच्चों को जो ज़हनी मफलूज हैं, जिनको माँ बाप नहीं पूछते, उनके अपने नहीं पूछते, उनके घर वाले नहीं पूछते, यहाँ पर माँ बनकर पाला है। हम इस धरती पर खड़े हुए हैं, जो कि धरती चैनल के हवाले से बात हो रही है, कि जो धरती है वो हमारे सिंध की धरती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की धरती है। इसमें हर फनकार इसमें उगता है और अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आती हैं, और उसमें से हम भी एक नाचीज़ आपके सामने। मैं आज यौम जश्न आज़ादी के मौके पर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर दारुलसुकून के बच्चों के साथ, और यकीन जाने इन बच्चों के साथ ये टाइम निकाल कर आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिल बाग बाग खुश है, क्योंकि आज़ादी अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसका जितना शुक्र अदा करें कम है, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को 70वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और मेरी तरफ से तो हमेशा मुबारकबाद रहती है, क्योंकि हम हर दिन ऐसे मनाएं जैसे 14 अगस्त होता है, तो फिर मज़ा आ जाए इस वतन में। कैमरामैन इमरान सागर, सोनी पारस, धरती टीवी, कराची।